छात्रों में दीपक सर आपके समक्ष कक्षा दस विषय सामाजिक विज्ञान संविधान और संविधान में हम आज अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद में कौन से बातों का उल्लेख है ये अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद को मैं बांट बांट के पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको ज्ञान का जो माध्यम हो सुरक्षित और सुदृढ़ ढंग से हो तो आज हम लोग भाग एक संविधान में जो संविधान में भागों की संख्या है भाग का मतलब क्या है जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपने विषय वस्तु को तो उसमें दिया रहता है कि नहीं इतने लेसन है उसी तरह संविधान जो है उसमें भाग की संख्या जब संविधान बना तो उस समय भागों की संख्या कितनी थी बाईस थी बहुत ध्यान से देखिए और बहुत समझने का प्रयास कीजिए संविधान में अब भाग की संख्या कितनी है अब भाग जो है अब इस समय वर्तमान में पच्चीस भाग हैं ठीक है पहले इससे कितने थे 26 भाग एक भाग को क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया तो वर्तमान में भाग कितने हैं पच्चीस है तो उसमें पहले भाग संविधान में पहले भाग की हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद में क्या है भाग एक में अनुच्छेद एक से चार पर हम लोग चर्चा करेंगे भाग एक अनुच्छेद एक से चार तक तो देखिए संविधान में अनुच्छेद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है और बहुत इसकी जो भाषा है या जिसकी जो न, कह सकते हैं तो सबसे पहले अनुच्छा अनुच्छेद एक में क्या बताया गया है अनुच्छेद एक में भारत राज्यों का संघ होगा भारत राज्यों का संघ होगा यानी जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं वह सब एक संघ के रूप में होंगे संघ का मतलब होता है कि सबके जो लोकतंत्र नियम कानून बनाएंगे उसके अधीन चलना पड़ेंगे जितने भी भारत के राज्य हैं सबको किसके अधीन चलने पर जो लोकतंत्र का नियम है कानून का नियम है उसके अधीन चलना पड़ेगा यह अनुच्छेद एक में बताया गया है यानी जो भी 28 राज्य सात केंद्रित प्रदेश हैं वह सब इसी के अधीन चलेंगे 370 के बारे में मैंने बता दिया था कि जम्मू कश्मीर को अब क्या कर लिया गया है जम्मू काश्मीर को पहले इसका संविधान अलग होता था लेकिन यह अभी अब भारत का अंग बन गया है ठीक है मेरा समझाने का तात्पर्य है कि जानकारी आपको रहनी चाहिए आपको कहीं ये न लगे कि सर जी सिर्फ इतने राज्य बता रहे हैं इतने केंद्र तो जो केंद्र शासित संख्या थी वह बढ़ गई और राज्य की संख्या जो थी ये घट गई ठीक है तो अब अनुच्छेद एक में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है अनुच्छेद दो भारत भारत के किसी राज्य भारत के किसी राज्य का नाम अगर परिवर्तन करना है तो अधिकार किसको है संसद को है किसको है संसद को यह कब बताया किस अनुच्छेद में बताया गया है अनुच्छेद दो में बताया गया है इसके बाद अनुच्छेद तीन इसमें बताया गया है अनुच्छेद तीन में कि जो भी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो तो उसमें दो गतिविधियां होती हैं। इसमें बताया गया है कि एक साधारण विधेयक के द्वारा और दूसरा विशेष विधेयक के द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना या उसकी सीमा क्षेत्र को निर्धारण करना अनुच्छेद तीन में बताया गया है ठीक है तो सामाजिक विज्ञान में यह विषय वस्तु और देखिए संसद का निर्माण जैसे कि मैं उस दिन भी वीडियो में बताया था कि इसके तीन अंग होते हैं संसद के राज्यसभा दूसरा और तीसरा या तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं संसद का निर्माण करते हैं ठीक है इसके बाद फिर कल हम अलग टॉपिक पे अलग विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे